हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजी सर पॉलिस में। क्या भारत में वोटरों को धोखा नहीं दिया जाता? क्या आपका कंट्रोल आपके वोट के ऊपर है? क्या आप तय कर सकते हैं कि आपका मंत्री बदले या ना बदले? जैसे आप अपनी पत्नी या पति पे कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो अगली शादी करे या ना करे, सेम आप भारत में अपने रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो बदले या ना बदले। आप देखें, अभी हाल फिलहाल में 22 MLA जो मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने एक पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के लिए हैं। ठीक, तो आप अपनी बेवफा पति और पत्नी से तो कंपनसेशन मांग सकते हैं कि भैया पैसे दो, मेंटेनेंस दो, तुमने हमको धोखा दिया है, लेकिन यहाँ बेवफा नेता से आप कुछ मांग नहीं सकते हैं। ठीक, तो यहाँ बेवफा नेता कैसे आपको बेवकूफ बनाता है, यह हम जानेंगे आगे की वीडियो। अभी हमने देखा हाल के दिनों में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो एक बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश के, अभी हाल फिलहाल में जब आम चुनाव हुए थे, मतलब जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी फिर वापस आए थे, उस चुनाव में वो फिर से खड़े थे कांग्रेस की टिकट पे और गुना से खड़े थे, लेकिन दुर्भाग्यवश कहें या भाग्यवश कहें, वो हार गए। लेकिन उभरता हुआ चेहरा, काफी जाना पहचाना चेहरा, जो 20 साल से राजनीति में है और कांग्रेस का दामन पकड़े हुए है, और उसने भी हाथ छोड़ दी और साथ छोड़ दी, जिसके बाद लाइन ही लग गई। लगभग 22 नेता कांग्रेस के बीजेपी की ओर तैयार हैं जाने के लिए। अभी तक 19 लोगों ने तो अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया है, वो लोग विधायक की जो पद है उससे भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश का सदन चल नहीं रहा है, वो कुछ 10-15 दिनों में चलना आरंभ होगा, इसलिए अभी 10-15 दिन की कहानी बची हुई है, जिसमें 22 विधायकों ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, जिसके ऊपर अभी स्पीकर की सहमति बाकी है, तब तक उसको रेजिग्नेशन नहीं माना जाएगा। ठीक, तो आपका जो प्रश्न था, जो मैंने सबसे पहले पूछा कि क्या आप जैसे अपनी पति या पत्नी से, जैसे जब एक पति भाग जाता है एक रिश्ते से, तो पत्नियां कंपनसेशन मांग सकती हैं, मेंटेनेंस मांग सकती हैं, इस एक्ट में, उस एक्ट में, न जाने किस किस एक्ट में, लेकिन जब एक नेता जिसको आपने चुना था, अपने वोट दे के चुना था, और वो जब बदल जाए तो आप क्या कर सकते हैं? क्या आप उससे मेंटेनेंस मांग सकते हैं? क्या आपका जो धोखा दिया आपके साथ उसका हर्जाना मिल सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन आप उसको सबक सिखा सकते हैं अगले चुनाव में। जो ये 22 नेता जो कांग्रेस के सीट पे खड़े थे, जिन्होंने आपके वोट पे कांग्रेस के सीट पे जीता, और अभी किसी रेजिग्नेशन देने की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसको आप अगली बार रोक सकते हैं। बस याद रखे कि इनके नाम क्या है और अगली बार इनको वोट, बस आप इतना कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या इसको रोका जा सकता है कि एक जो कैंडिडेट है, एक जो MLA है, वो किसी और पार्टी के अंदर चला जाता है? क्या इसको रोका जा सकता है? हाँ, इसको रोका जा सकता है। 1985 में एक कानून लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी जाना। उस दौरान एक इंसान था जिसका नाम था, एक नेता था हरियाणा का, गया राम, जिसके बाद ही एक कहावत चालू हुई, आया राम और गया राम। इस आया राम और गया राम ने एक दिन में 3 बार पार्टियां बदली थी, जिसके बाद कि एक कानून लाने पड़ा 1985 में, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो बाधा देता है कि कोई भी एक MLA या MP अकेला एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसका जो पद है MLA या MP के रूप में, वो खारिज हो जाएगा। और क्या कारण है? और अगर एक तिहाई, मतलब अगर 9 MP हैं या 9 MLA हैं, उनमें से 3 MP या MLA दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तब भी उनके पद खारिज हो जाएंगे और उनकी सीट खाली हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी नए प्रोविजंस लाए गए 2003 में, जिसमें कहा गया कि अगर 2/3 नेता, मतलब अगर 9 मंत्री 9 MLA हैं, और अगर उनमें से 6 जो हिसाब बनता है 2/3, अगर 2/3 दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, ऑपोजिशन को ज्वाइन कर लेता है, तो उनके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगी, उनका सीट कैंसिल नहीं होता है, ये प्रोविजन रखे गए। और पूरे एम्पल पावर, जो भी एप्लीकेशन होगा उसको तय करने का पावर दिया गया स्पीकर को।
स्पीकर के हाथ में ही रहेगा कि वो रेजिग्नेशन अलाउ करे या रिजेक्ट करे। स्पीकर को ही पूरी एम्पल पावर दी गई है। चले यहां तक तो बताया, अब यहां पे बीजेपी को कैसे फायदा होने वाला है इस बात से। जैसे मध्य प्रदेश में जो वहां का विधानसभा है उसमें 230 सीट है, उस 230 सीटों में दो लोगों का देहांत हो चुका है तो बचे 228 लोग। इन 228 लोगों में कांग्रेस के पास 118 सीट है और बीजेपी के पास 107 सीटें हैं, ठीक। और चाहिए था 116 सीट, जो कि कांग्रेस के पास 118 है, इसलिए कांग्रेस ने ही सरकार बनाई थी 2018 में और बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, चुप गई कुछ सीटों के कारण। लेकिन अब जब माहौल बदला है तो इस माहौल में क्या हुआ, इस माहौल में अब यहां पे 22 नेता कांग्रेस के भागे, मतलब बचे 98। ये 98 तो सरकार साबित नहीं कर सकते, जब भी फ्लोर टेस्ट होगा, मतलब जब गिनती होगी वो अटेंडेंस वाला क्लास मॉनिटर तय करने वाला है, यस सर हम ए को चाहता है बनाने, जब ये होगा फ्लोर टेस्ट स्पीकर के सामने, तो इनके पास 98 एमएलए होंगे और बीजेपी के पास 107। तो आखिर ये 22 कहां गए? इस 22, जैसे मैंने पहले बताया कि नियम है कि दो तिहाई इस पार्टी से भाग के दूसरे में जा सकते हैं, तो 118 का दो तिहाई 22 होता नहीं, तो ये इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। तो वो कहां चले गए? वो उन्होंने इस्तीफा दिया और बाहर चले गए, बाद में इलेक्शन होगा और फिर आ जाएंगे वो गद्दी पे। लेकिन अभी क्या माहौल हो गया कि इनके पास 98 सीट और इनके पास 107 सीट। अब जब फ्लोर टेस्ट होगा तो आपको भी समझ में आ रहा है कि सरकारें किसकी बनेगी। सरकार बीजेपी की बनने की पूरे चांसेस होंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। सवाल यहां ये है उन 22 नेताओं के साथ जो एमएलए हैं, जो आपकी वोट पे सरकार में आए थे, क्या ये धोखा नहीं था? क्या इनके ऊपर कोई स्ट्रिंजेंट कानून नहीं होना चाहिए? क्या हम वोटर हमेशा ऐसे ही बेवकूफ बनते रहेंगे, या अगली बार हमें खुद सशक्त होना चाहिए? अगली बार इन्हें वोट देते वक्त हम खुद तय करें कि हमें इनको वोट देना है या नहीं। ये आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं ये 22 अपने लिए काम कर रहे हैं, ये 22 अपनी राजनीति सेक रहे हैं। ये 22ों को बैंगलोर में रखा गया था, जिसको एक रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के नाम से आज जाना जा रहा है। इनको उन 22ों को वहां पे एक रिजॉर्ट में रखा गया था, मतलब जिसके साथ कांग्रेस कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, सरकारें किसी की भी हों। मेरा प्रश्न यही है, क्या आपने जिस एमएलए को चुन के भेजा था वो उसने क्या आपके साथ न्याय किया, या वो धोखा नहीं था आपके साथ? आपने जो तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ उसको वोट दिया था, लेकिन उसने आपके साथ गद्दारी की। तो अगली बार ध्यान दें और फिर वोट दें, क्योंकि आपका वोट बहुत हद तक अफेक्ट करता है। अगर आप इन 22ों को फिर ना आने दें गद्दी पे, अपने आप एक सबक होगी और दूसरे भी इससे सीखेंगे। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।